आज इसकी ना प्रॉपर हाईवे पे एवरेज का पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा ना कैश निकल वाला था अपने साथ। इसको क्या हो गया अब यार? फिर ये ना भाई बहुत मूड खराब करती है राइड में। अब देखना ये तो बंद हो गया। ये देखो यही दिक्कत है। गियर में वैसे चेन सेट में मार पड़ती है पर कोई ना, ये होते ट्रकों वाले, इनमें ना भाई टेस्टी मिलती है। चल ठीक है। 5-10 मिनट लगेंगे ऑर्डर रेडी होने में और फिर खा के फिर निकलूंगा। और अभी ना मैंने गूगल मैप में चेक किया तो गाजियाबाद के लिए यहाँ से ना 1.5 घंटा। तो ये आगे अपनी सेवा जी और साथ में 2 रोटी और अपना बुलेट। 2895 में फुल। एवरेज तो मैंने कैलकुलेट कर लिया पर बुलेट की एवरेज इतनी सही आई नहीं जितनी मैंने सोचा था। गंदे ट्रैफिक में फंस चुका हूँ। 10 मिनट हो गए भाई इस ट्रैफिक में ऐसे चलते हुए इतनी स्पीड में। इधर भी निशान ही पड़ गया, मैं सुन हो गया भाई पूरा। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी फिलहाल मैं नहा के रेडी हो रहा हूँ क्योंकि मेरे को वापस निकलना है अभी गाजियाबाद के लिए। तो लास्ट ब्लॉग आप लोगों ने देख लिया होगा तो उसमें मैंने बताया था ना कि मैं शायद निकल जाऊँ मैं गाजियाबाद के लिए वापस, तो वही हो रहा है। लेक से आया उसके बाद आते सो गए जल्दी। मैं सोचता था 1-2 घंटे सोऊंगा ना और उठ के फिर निकल लूंगा, 2 बजने वाले हैं। और अभी ना भैया का फोन आया तो भाई नींद खुली और काफ़ी लेट हो गया निकलने में क्योंकि फिर आगे ना अंधेरा हो जाएगा मेरे को पहुँचते। यहाँ से तो पहले जल्दी जल्दी सामान पैक कर लिया मैंने, राइडिंग गेयर्स पहनता हूँ, बाइक भी अपनी यहाँ पे नहीं अभी आ रही है जैसे आती है निकलता हूँ और सीधा ना आपसे बाइक पर मिलता हूँ। थोड़ा लेट हो गया ना तो इसलिए जल्दी जल्दी करके बाइक पर मिलते हैं। 1:20 फिर तो ठीक है, 1:20 वही 6-7 बजे तक पहुंच जाऊंगा। स्क्रैच देखा होगा कैसे डले हुए हैं। चल ठीक है फिर है ना, मिलता हूँ आगे अगली बार ना। ठीक है। सो फाइनली गाइस मैं निकल रहा हूँ अभी यहाँ से। तो अभी सबसे पहले ना ATM में रुकना है, कैश निकलवाना है क्योंकि मेरे पास कैश ख़त्म हो गया जो कल परसों निकलवाया था ना भाई, वो सारा ख़त्म हो गया। तो अभी ना चलते हुए कैश निकालते हैं। SBI के ATM में कैश निकलवाने, बस भीड़ ना। सर थोड़ा सा ना कैश निकलवा लेता हूँ अपने साथ क्योंकि कैश भी चाहिए और ग्लव्स ना मैंने जेब में डाल रखे हैं, ग्लव्स भी पहन लूँगा। यहाँ से भाई मेरे को भी 5-6 घंटे तो आराम से लग जाएंगे पहुँचने में। भाई यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक है, बस वाला ट्रैफिक एक बार क्रॉस कर दूँ उसके बाद ना फिर सही रहेगा, फिर आगे ट्रैफिक नहीं है, फिर तो आगे स्पीड अप करके फिर मैं निकल ही जाऊँगा। और अभी ना यहाँ पर आगे पेट्रोल पम्प भी देखना है मेरे को क्योंकि भाई फ्यूल की लाइट ना ऑन ही है और इस रोड पे मेरे को पता भी नहीं है पेट्रोल पंप कहाँ पे है। ज़्यादा दूर होना नहीं चाहिए क्योंकि लाइट ना कल से ऑन हो गई है, सुबह डलवाया था पर थोड़ा सा डलवाया था, ज़्यादा नहीं डलवाया था क्योंकि मेरे को पता था कि मैंने ना वापस निकालना तो सोच रखा था कि उसी टाइम ना फ्यूल अप करवाऊँगा। ऑटो कट टैंक खाली था, फिर नहीं आया। 1200 कर दो। यहाँ पे 1200 का 12 लीटर। फ्यूल अप करवा के मैं आ गया हूँ। अब एक बार ना इसकी ना मैं फोटो खींच लेता हूँ, फोन तो भाई मैं बैग में डाल के चलता हूँ क्योंकि भाई गिरने का डर रहता है इनमें से। सो चलो गाइस फोटो भी खींच लिए और अब चलेंगे भाई बिल्कुल नॉन स्टॉप। भूख लगेगी तो खाना वगैरह खाने रुकूंगा कहीं पे क्योंकि मैं कुछ खा के नहीं निकला हूँ। इसको कर लेता हूँ बंद। सभी ना मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कितने में फ्यूल अप करवाया है, देख रहे हो 22,894 में, मतलब 95 होने वाले दो ये बचे ना तो 95 पे मान लो, तो 95 पे मैंने फ्यूल अप करवाया है। देखते हैं कितने एवरेज देता है क्योंकि मैंने इसकी ना सिटी में भी एवरेज निकाल रखी है और हाईवे में एक बार निकालने लगा था पर वो सही से निकले नहीं थी। आज इसकी ना प्रॉपर हाईवे पे एवरेज का पता चल जाएगा। सो फाइनली गाइज मैं आ चुका हूँ 4 लेन पे और यहाँ से अम्बाला है 12 किलोमीटर, करनाल है 88, पानीपत है 116 और दिल्ली रहता है भाई यहाँ से 212 किलोमीटर। 3-4 घंटे तो मेरे को लगे जाएंगे आराम से और अगर मैं कहीं रुक गया खाने के लिए तो वही 5-6 घंटे में मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा। और ना बुलेट को ना मैं आज ना स्लो चल रहा हूँ ना, 80 की स्पीड में चल रहा हूँ तो भाई एक फ़ायदा है बुलेट का, अगर ना 80 से नीचे चलोगे और 80 तक चलोगे ना इसकी ना वाइब्रेशन ना बहुत कम होती हैं। अगर 80 के ऊपर जाऊंगा ना इसकी वाइब्रेशन इतनी बढ़ जाती है ना, हाथ वगैरह में ना भाई ऐसे शेक करते हैं ना। अब ऐसे चल रहा हूँ ना भाई मज़ा भी आ रहा है और स्लो स्लो में अगर इसको कहीं भी रोकूंगा ना, रोकना पड़ जाए तो ये ना इजीली रुक जाएगा। स्पीड में एक तो ये रुकता नहीं है
और साथ में वाइब्रेशन भाई इतनी हो जाती है ना इसमें। आज ना भाई मैं ना चंडीगढ़ में रुक जाता अगर भैया की ना कॉल नहीं आती, तो भैया की कॉल आ गई तो मैं उठ गया, वरना तो भाई इतनी भयंकर नींद ना, क्योंकि मैं रात भर ना सोया नहीं था और सुबह उठ के मैं सुखना लेक चला गया था, वहाँ से आते ही ना मैं सो गया था। घर वालों को मैंने मैसेज कर दिया था कि मैं सो रहा हूँ तो कॉल वगैरह मत करना, नींद ख़राब होगी। और भाई 1 बजे ना भैया की कॉल आई ये पूछने के लिए कि आ रहा हूँ मैं आज की नहीं। भाई उस टाइम जब आँख खुली ना मैंने टाइम देखा, मैंने कहा भाई हो गया लेट। लेट तो क्या वैसे शाम तक पहुंच ही जाऊंगा, अभी निकला हूं ना तो बस एक चीज़ की प्रॉब्लम होगी जो दिल्ली का मेरे को ट्रैफिक मिलेगा, शाम को 6-7 बजे के आसपास पहुंचूंगा मैं, और उस टाइम ना भाई भयंकर ट्रैफिक होगा, और वहां से ना दिल्ली से ना मेरे को गाजियाबाद पहुंचने में ना हालत ख़राब हो जाएगी, इतना गंदा ट्रैफिक होगा। तो कोई ना देख लेंगे जैसे भी रहेगा। ओ भाई अपने को ट्रक्स का ट्रैफिक मिल चुका है इस टाइम रोड पे, काफ़ी ट्रक चल रहे हैं इस टाइम और रोड पे। आज ना नींद पूरी कर ली ना तब ठीक लग रहा है, थक नहीं रहा हूँ। और उस दिन जब भाई मैं आया था ना गाजियाबाद से, एक तो नींद लग रही थी और एक तो मैं ना काफ़ी टाइम बाद राइड पे निकला था, तो ना वो आदत थोड़ी होती है ना कि डेली बाइक चलानी और इधर उधर घूमता रहता था। 1-1.5 महीने रेस्ट करने के बाद भाई फिर आया हूँ ना, उस दिन तो भाई सच्ची में हालत ख़राब हो गई थी, मतलब नींद भी आ रही थी थकावट भी हो गई थी। तो गाइस फिलहाल मैं करनाल एंटर कर चुका हूँ, क्या मजा आया राइड का, 80 पे चलो था पूरा, ना कम कर रहा था ना ज़्यादा, इतना मजा आया, उतनी वाइब्रेशन भी नहीं हो रही थी बुलेट की, तो एकदम ना भाई बढ़िया मजा आया था। तो अभी दिल्ली 150 किलोमीटर रह रहा है यहाँ से, ज़्यादा नहीं है थोड़ा ही, अब तो आज तो मेरे को थोड़ा लग रहा है। तो गाइस दिल्ली रह गए यहाँ से 126 किलोमीटर, और मैं यहाँ पे 1 मिनट रुक रहा हूँ, मेरे को एक कॉल करने है, तो कॉल करने के लिए रुक रहा हूँ यहाँ पे। और ना थोड़ी थोड़ी मेरे को भूख भी लग रही है, कुछ खाने का मन भी कर रहा है, और मेरा मन ना सेव भाजी खाने का है, और वो मिलती है जो प्रॉपर ढाबे होते हैं ना वहाँ पे, उनमें अच्छी मिलती है। बस अभी आगे ना कहीं अच्छा सा कोई ढाबा मिलता है ना वहाँ पे रुक के सेव भाजी खाऊंगा और फिर निकलेंगे आगे। फिलहाल तो कॉल करनी है, कॉल कर लेता हूँ। बुलेट भी भाई इसको भी ना थोड़ी रेस्ट देनी, क्योंकि नॉनस्टॉप चलने पे ना ये ना हीटअप हो जाता है, और इसका ना एक सेंसर है वो ख़राब हो जाता है, इसीलिए ना भाई इसको 80-100 किलोमीटर के बाद ना 5-10 मिनट की ना रेस्ट देनी पड़ती है। कॉल हो गई है, आईफोन को डाल देते हैं बैग में। और भाई रोड पर ट्रैफिक देख रहे हो कितना है, काफ़ी ट्रैफिक है रोड में, पर स्लो स्लो चल रहा था, मेरे को तो मज़ा आ रहा है आज। इसको क्या हो गया अब यार, फिर वो सीन तो नहीं हो गया यार, शिट यार, तो मैं बोल रहा ज़्यादा हीटअप हो गया क्योंकि नॉन स्टॉप चलाऊँ ना। आगे रुकता हूँ ढाबे पे ना अभी, तो ये देख रहे हो इंजन लाइट आ गई, अब कोई ना इसको चेक करवा लेंगे। ये प्रॉब्लम है भाई बुलेट के साथ, ये देख रहे हो जो सेंसर वाले आ रखे हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सेंसर वाले आ रखे हैं ना इनके साथ यही प्रॉब्लम है। बुलेट भाई ऐसे बढ़िया है, ब्रेकिंग का भी चलो अब इतना टाइम हो गया चलाते हुए, वो तो ब्रेकिंग का तो मेरे को समझ आ गया कैसे कंट्रोल करनी है, तो इतनी प्रॉब्लम ब्रेक के साथ भी नहीं है, पर ये जो सेंसर वाली प्रॉब्लम है ना इसमें, ये ना भाई बहुत मूड ख़राब करती है राइड में। अब देखो फिर से इंजन लाइट आ गई, अब देना मैं एक्सीलेटर क्लच दबा के एक्सीलेटर छोड़ूंगा ना तो देना ये बंद हो जाएगा, मैं भी दिखाता हूँ आपको। अब देना ये तो बंद हो गया, ये देखो देख रहे हो, तो अभी गियर में स्टार्ट कर लेता हूँ, गियर में यार चेन सेट पे, गियर में वैसे चेन सेट में मार पड़ती है, पर कोई ना एक बार के लिए मैंने ना इसको ना गियर में तो कभी स्टार्ट किया नहीं है, आज ही किया फर्स्ट टाइम, वो मैंने हाईवे पे आपको दिखा रहा था ना, तो अब एकदम से रोक नहीं सकता हूँ हाईवे पे ना। अब बस इसका यही सीन रहेगा, एक्सीलेटर छोड़ूंगा भाई ये बंद हो जाएगा, और एक्सीलेटर दूंगा तभी स्टार्ट होगा, बस ये प्रॉब्लम है भाई इस बुलेट के साथ। अब इसको जाके ना यार चेक करवाने पड़ेगा, पता नहीं क्या सीन है भाई, यहाँ क्या हो गया, बाइक वाली लेन पे भी ट्रैफिक मिल रहा है क्या, ओह शिट। देखा अभी मैंने एक्सीलेटर छोड़ दिया था क्लच दबा के, तो बाइक बंद हो गई थी अपने आप, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है, मेरे को याद ही नहीं रहा। चलो कोई ना, अभी तो फिलहाल ना मैं एक कोई ढाबा ढूंढ रहा हूँ, और मेरे को ना वो मिल नहीं रहा है, सो देखते हैं आगे कहाँ जाके मिलता है। सो गाइस यहाँ पे भी ना खाने का ऑप्शन है, पर मेरे को यहाँ पे नहीं खाना है आज, मेरे को प्रॉपर ढाबे पे खाना है, और मेरे को खाने भी सेव भाजी है भाई, वही ढूंढ रहा हूँ।
वही ट्रक की आवाज सुन रहे हो कैसी आ रही है। फाइनली गाइस दो ढाबे दिख गए साथ साथ में, एक ये रहा एक इस साइड रहा, कट साथ में, ये तो मैंने ब्रेक मार ली। अब देखते कौन से वाले में खाया जाए। अरे 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 ये ना मैं बार बार भूल जा रहा हूँ कि ना एक्सीलेटर छोड़ते ना बंद हो जाता है। चलो यहीं पे खा लेते हैं। सेव भाजी मिल जाएगी है, लगा दो एक। तो गाइस फाइनली पहुंच गया हूँ यहाँ पे, सेव भाजी भी है इधर है भाई, ये होते हैं ट्रकों वाले, इनमें ना भाई टेस्टी मिलती है। तो ऑर्डर तो मैंने दे दिया, अब एक काम करते हैं मम्मी को भी ना कॉल कर लेता हूँ, उनसे ना मेरी बात नहीं हो रखी सुबह से। चल ठीक है, खाना खाने रुका हुआ। चलो ठीक है पहुंच के करूंगा फोन, है ना। ठीक है भैया से बात हो गई है और डैडी से भी बात हो गई है, दोनों को बता दिया मैंने। अब एक काम करता हूँ, हेलमेट निकालते हैं, थोड़ा बुलेट को भी रेस्ट देते हैं इसके, देखते हैं इंजन लाइट अब हटती है कि नहीं हटती है। भाई बालों की तो ना हालत ख़राब हुई है, हेलमेट के अंदर ना पूरे दब गए हैं, तो इनको इग्नोर करना। तो ऑर्डर मैंने दे दिया, अभी ना 5-10 मिनट लगेंगे ऑर्डर रेडी होने में और फिर खा के फिर निकलूँगा। और अभी ना मैंने गूगल मैप में चेक किया तो गाजियाबाद के लिए यहाँ से ना 1.5 घंटा दिखा रहा है, तो 1.5 घंटे लगेंगे। अभी 4:30 हो रहे हैं, मतलब वही 6:30-7 बजे तक पहुँचूँगा। सुबह जी देख रही आगे अपनी सेवा जी और साथ में 2 रोटी और अपना बुलेट। फाइनली गाइस अपना खाना हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से। तो गाजियाबाद यहाँ से ना पूरा 100 किलोमीटर है, गूगल मैप मेरे को 1.5 घंटा बता रहा था। अभी ट्रैफिक में भी फंसूंगा दिल्ली के, कोई पता नहीं भाई कितना टाइम लगेगा। और अभी घर वालों से बात हुई है तो उन्होंने भी ना भाई डिनर का प्लान कर रखा है बाहर का, चलते हैं जल्दी जल्दी टाइम से पहुँचते हैं घर पे। अरे यार सब ना एक काम करता हूँ, आगे किसी पेट्रोल पंप पे ना फ्यूल अप करवा के इसकी ना एवरेज चेक करते हैं। सो चलो गाइस यहाँ पे ना फ्यूल अप करवाते हैं और एवरेज कैलकुलेट करते हैं बुलेट की, फिर इसके आगे ट्रैफिक मिलेगा। 6 लीटर आ गया 600 का। वाह, अरे कपड़ा है तो अभी कैलकुलेट करता हूँ मैं आगे, पहले यहाँ से निकलता हूँ। तो मैंने करवाया था 22,895 में फुल। एवरेज तो मैंने कैलकुलेट कर लिया पर बुलेट की एवरेज इतनी सही आई नहीं जितनी मैंने सोचा था। तो अभी बताता हूँ मैं आपको एवरेज कितनी निकली है। तो मैं बुलेट को ना 80 की स्पीड में चला रहा था तो इसमें एवरेज इसने निकाल ली है 40 की, पूरे 40 की भाई, इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रखा था। तो इसकी एवरेज ना भाई देख रहे हो बुलेट की ना 40 है, हाईवे पे भी ना इतना डिफरेंस आया है नहीं, मैंने सिटी की चेक की थी तो 38-39 थी ना, हाईवे पे भी ना 40 की एवरेज है भाई इसकी। एवरेज तो आज पता चल गई बुलेट की हाईवे पे भी, सिटी में भी कैलकुलेट कर रखी है मैंने, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा वहाँ पे आप चेक कर लेना तो आपको पता चल जाएगा कि सिटी में कितनी एवरेज है बुलेट की। और हाईवे पे तो भाई इसकी 40 आई है, इतना डिफरेंस आया नहीं वैसे जितना मैंने सोचा था ना, मेरे को लगा था थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस आएगा पर उतना डिफरेंस आया नहीं है। भैया रॉन्ग साइड कह को आ रहे हैं, आ गया गाजियाबाद का बोर्ड। अब यहाँ से मेरे को लेफ्ट लेना है आगे से। एक तो भाई मिरर्स पे ना पीछे गाड़ियों की लाइट ऐसी पड़ रही है ना, कुछ बंदे हाई बीम पे चलते हैं ना बस उनकी पड़ रही है, लो बीम पे चल रहे हैं उनका इतना इशू नहीं आ रहा है, जो हाई बीम पे पड़ रही है ना वो सीधा यहाँ पे पड़ रही है और मेरी आंखों पे लग रही है सीधी आके। छिपन इतनी डस्ट लग चुकी है ना पीछे का ना सही से दिख ही नहीं रहा है। फिलहाल
फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ सिग्नेचर ब्रिज। भाई इसकी लाइट आज भी ऑन नहीं है। गंदे ट्रैफिक में फंस चुका हूँ। 10 मिनट हो गए भाई इस ट्रैफिक में ऐसे चलते हुए इतनी स्पीड में। हाथ तो ना पूरे लाल हो गए होंगे इस टाइम। पता नहीं 10-15 मिनट से ना इसी ट्रैफिक में फंसा हुआ था। फर्स्ट गियर में भी हाफ क्लच छोड़ छोड़ के निकल रहे थे। हालत ख़राब कर दी भाई। यार इतनी भयानक पेन हो रही है ना हाथ में। भाई हाथ देख रहे हो लाल हो गए पूरे। फिलहाल ना इंडियन रिवर पहुंच चुका हूँ मैं। और भाई मेरे से ना ब्रेक नहीं दब रही है ना क्लच दब रहा है, तो ना 1 मिनट रुक जाता हूँ। इधर भी निशान ही पड़ गया मैं। सुन हो गया भाई पूरा। मैं ना सिग्नेचर ब्रिज से जब से निकला हूँ ना उसके बाद से यहाँ तक इंडियन रिवर पहुंच चुका हूँ मैं, तब से भाई ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। गाइस फाइनली मैं गाजियाबाद पुराने बस स्टैंड पहुंच चुका हूँ यहाँ मेट्रो स्टेशन पे। तो अभी मामा भी आ रहे थे, उनको भी साथ में लेकर चलूँगा। उनका वेट करता हूँ यहाँ पर थोड़ी देर, 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं वो, फिर साथ में निकल जाएंगे आगे घर के लिए। मामा चलाओ। मेरे से ब्रेक तक नहीं दवाई जा रही सही से ना क्लच। रेस बुरा हो गया है, बहुत बुरा यहाँ पर ट्रैफिक की वजह से। रेस देते रहना बीच बीच में ना, ट्रैफिक नहीं ना होता तब नहीं दिक्कत होती है।